हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर फूड एंड ब्लॉग। अभी त्योहारों का सीज़न आ रहा है तो हमने सोचा कि अपने चैनल पे एक मीठी चीज़ डालूं। तो आज मैं बना रही हूँ दूध और चीनी से मिला के कलाकंद। इसके लिए मैंने फुल क्रीम दूध 2 लीटर फुल क्रीम दूध है लिया है। इसमें से मैं तकरीबन हाफ लीटर दूध को निकाल लूँगी और उसको मैं बाद में प्रिपेयर करूँगी। दूध को, हाफ लीटर दूध को लेके दूसरी तरफ गैस पे चढ़ा देना है और इस दूध में अच्छी तरह से उबाल लाना है। उबलने के बाद वाइट विनेगर डाल के इसका हम बनाएंगे छेना। दूध उबल गया है, अब एक कटोरे में पानी लेके 2 बड़ा चम्मच वाइट विनेगर मैंने मिलाया है और एक साथ नहीं मिलाना है, इसको धीरे धीरे करके इस दूध में आप विनेगर मिलाइए ताकि ये छेना इसका निकल सके। आप इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये दूध फटना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाना है ताकि आपको पता लगे कि ये अच्छे से दूध फट गया है। दूध फटने के बाद ही इसको हम चीनी के साथ मिला के कलाकंद बनाएंगे। कलाकंद एक बहुत अच्छी मिठाई है और भगवान को भोग लगाने के लिए भी आप ये कलाकंद बना सकते हैं। देखिए ये दूध अच्छे से फट गया है, थोड़ा सा और मिला देते हैं ताकि जो दूध बचा हुआ है शेष वो भी पानी हो जाए। बहुत अच्छा छेना फट गया है, सॉफ्ट सा। अब हम इसको एक छलनी में डाल के छानेंगे। एक बड़ी सी छन्नी लेके हम इस दूध को उसमें छानेंगे। आप चाहो तो इसमें आप एक मलमल का कपड़ा भी डाल सकते हो पनीर निकालने के लिए। मैं डायरेक्ट छन्नी से ही छान रही हूँ, आप आराम से इसे निकाल लीजिए और इसका पूरा पानी को निकलने दीजिए। और इसका जो छेना का जो पानी होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, छेना का जो पानी होता है उसको आप आटा सानने में या सब्जी का ग्रेवी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इस छन्नी को आप इस पे डाल दें ताकि वो धीरे धीरे उससे सारा पानी निकल जाए, तब हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। और ये छेना बना है बहुत ही सॉफ्ट, इसका मिठाई भी उतना ही अच्छा बनेगा। इसमें से हाफ लीटर दूध जो मैंने निकाला था उसे दूसरी तरफ डाल दिया है गैस पे उबलने के लिए। इसको हल्के हाथों से दबा दबा के इसका पानी निकाल देना है ताकि छेना का पानी निकल सके। अभी बहुत सारा त्यौहार आने वाला है, कृष्ण जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है या फिर तीज है, तो आप इस पे इस मिठाई को बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये देखिए पानी पूरी तरह से निकल गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इस छेना को, ये बहुत सॉफ्ट छेना बना है, इसको फोर्क की मदद से, ये भी गर्म है इसलिए मैं इसको फोर्क की मदद से इसको एकदम अच्छे से और सॉफ्ट बनाऊंगी। आप चाहो तो जो पोटैटो मैसर आता है उससे भी आप इसको अच्छे से बना सकते हो। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में ये उतना ही टेस्टी होता है ये मिठाई, और बनता भी बहुत जल्दी है। छेना आपको आराम से बन जाएगा। इसके लिए दूध का अच्छे क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। दूध अच्छा होगा तभी आपके यहाँ छेना अच्छा बनेगा और उसका जो स्वाद है वो अच्छा बनेगा। अब देखिए इस छेना को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है, अब इसको हम एक तरफ रख देंगे और फिर वापस से जो दूध मैंने चढ़ाया है उसको फिर उसमें फिर इसको मिलाएंगे। ये जो दूध हमने चलाया था आप देखिए
ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके चीनी मिलाएंगे। चीनी एक साथ नहीं मिलाएंगे, नहीं तो ये चीनी अपना पानी छोड़ेगा और कलाकंद बहुत मीठी मिठाई नहीं होती है। इसको थोड़ा हल्का मीठा बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। जब ये चीनी गल जाए तो इसमें हम वापस से 2 लीटर दूध है तो इसमें मैंने 100 ग्राम ही शुगर डाला है। इसको अच्छे से शुगर को इसमें चीनी को पिघलने देंगे, क्योंकि अगर चीनी पिघला नहीं होगा तो आपके मुंह में छेना के साथ ये आएगा। इसको बहुत ही अच्छे से मिलाना है ताकि ये चीनी जो है वो बिल्कुल पिघल जाए। ये बहुत अच्छी मिठाई बनती है, आप बना के देखो इसको, और बहुत जल्दी भी बनती है। भगवान को आप अपने घर का बना हुआ मिठाई भोग प्रसाद में लगाओ, जन्माष्टमी में लगाएं, या फिर गणपति महोत्सव आ रहा है, बप्पा पधार रहे हैं, बप्पा के आने की खुशी में आप ज़रूर से बनाएं इसे। ये थोड़ा और होगा, उसके बाद हम इसमें छेना मिलाएंगे। इसमें चीनी पूरी तरह से मिल गया है। अब हम इसमें जो पनीर मैंने बना के खोए रखा था छेना, ये छेना बहुत ही सॉफ्ट है, आप देखेंगे कि इससे बहुत अच्छी दानेदार मिठाई बनेगी। उसको डालना है और फिर चलाना है। इसको धीमी आंच पे नहीं चलाना है, इसको तेज आंच पे ही इसका जो दूध चीनी छेना सबको मिलाना है। ये बहुत अच्छा मिठाई बनता है, आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें घर में बनाने का, और अपने घर में बने हुए मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये आपके द्वारा मेहनत से बनाई गई रेसिपी है तो खाने में उतना ही आनंद आएगा। अब इसको तेज़ आंच पे ही पकाना है 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि ये आप देख रहे हैं इसमें जो दूध बचा हुआ है वो सूख ना जाए, पूरी तरह नहीं सुखाना, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा मिल्क केक। इसको सेट होने में कम से कम, अच्छे से अगर आप फ्रीजर में नहीं रखते हैं तो सेट होने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। ये सेट होने के बाद ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये अब आप देखें, ये पूरी तरह से बन गया है, इससे ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है, पेंदी को छोड़ दिया, और कितना अच्छा दानेदार कलाकंद बना है, बहुत अच्छा। अब हम इसको एक सर्विंग बॉल में डाल देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर उसके ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बस। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं बनाना पकाना है। अब आप देखिए, अब इसमें ना तो अलग से दूध दिख रहा है ना कुछ, बस ये सूख गया है। इससे ज़्यादा सुखाने से फिर ये मिठाई थोड़ी सी कड़ी हो जाएगी, इसलिए अब इसे हम उतार लेते हैं गैस से और सर्विंग बॉल में डालते हैं। अब इस तरह चौड़े मुँह वाले बर्तन में हल्का सा हमने शुद्ध घेसी देसी घी डाल दिया है ताकि आराम से निकल जाए। इसको डाल के इसको फैला देंगे ताकि ठंडे होने पर ये मेरा जो कलाकंद है बहुत अच्छे से निकल जाए। चौड़े मुंह वाला बर्तन है तो इसमें से आपको निकालने में बहुत सुविधा होगी। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देखिए कितना अच्छा दानेदार कलाकंद बना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बस रेडी हो गया कलाकंद। अब इस पे आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, जो भी आपको पसंद है, काजू बादाम पिस्ता, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इस पे डाल दीजिए और सेट होने के बाद आप इसको काट के सर्व करिए।
मैंने इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डाला है। ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ा हल्के हाथ से आप इस पे प्रेस कर दीजिए हल्के हाथ से, ताकि वो ड्राई फ्रूट्स निकले नहीं और उसको पकड़ ले, और इसको सेट होने के लिए रहने दीजिए। फिर इसको काट के सर्व करते हैं। अब हम एक चाकू की मदद से इसे हल्के हाथों से काट लेंगे और तब एक प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये कलाकंद बन के रेडी हो गया है। आप अपने मनचाहा आकार में काट लीजिए इसे। और एक प्लेट लेके प्लेट में निकालिए सर्व करने के लिए। इस तरह इस कलाकंद को एक प्लेट में निकालिए और सर्व करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।